जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस स्टॉक का जो पीई है 105 के आसपास चल रहा है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक का पीई काफी महंगा हुआ है। पीई महंगा होने का क्या मतलब होता है? पीई का सिंपल मतलब होता है प्राइस अपन अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे समझिए, अभी इस स्टॉक में 1 रुपए कमाने के लिए आपको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि पीई जितना सस्ता हो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। सामान्यतः पीई को 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। हालांकि 20 नहीं तो फिर भी 30 तक तो होना है, 30 तक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि माइनस में नहीं होना चाहिए, 10 से लेकर 25 30 तक होना चाहिए तो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का पीई 105 चल रहा है। अब 1 रुपए कमाने के लिए आप 20 रुपए देना चाहेंगे या 30 रुपए देना चाहेंगे या 105 रुपए देना चाहेंगे? अभी क्या है कि जब किसी स्टॉक में काफी तेजी से वॉल्यूम बढ़ता है, नए नए बायर्स आते हैं, तो उसका जो पीई होता है वो महंगा हो ही जाता है। महंगा होने का आईटी सेक्टर से जितना आप देखेंगे बड़े बड़े स्टॉक, उसका पीई सामान्यतः महंगा होता है। पीई महंगा होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि क्या इस स्टॉक में अगर आप बाई करते हैं तो महंगा वैल्यूएशन बाई करने के बाद भी आपको उतना प्रॉफिट मिलने के चांसेस है कि नहीं, ये देखा जाता है। और चार्ट पर यदि लेवल देख के आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, वहां पे लेवल देख के आप बाई करते हैं, तो फिर पी महंगा होने से सस्ता होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सही जगह पे बाई किया है। अगर मान लीजिए आपने एकदम ब्रेकआउट पे बाई किया, तो ब्रेकआउट पे बाई करने से ये होगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, यहां से ब्रेकआउट होगा, इस लेवल पे आपने बाई किया और यहां से प्राइस ऊपर के आपको बेनिफिट हो गया। तो अगर सही जगह पे बाई करते तो पी का उतना लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है पी से कि स्टॉक में अभी चल क्या रहा है। तो इस स्टॉक का पी इतना महंगा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का भले ही शेयर प्राइस में तेजी नहीं आ रही हो, लेकिन इस कंपनी के दीवाने बहुत हैं। इसमें नए नए बायर्स हमेशा आते रहते हैं, और चूंकि स्टॉक का वॉल्यूम हमेशा रहता है, तो उसमें अच्छी खासी आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस स्टॉक में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो बेशक आप अपने पैसों को इसमें संभाल कर रखिए, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, मैं आपको बताऊँ इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, आपको सॉफ्टवेयर लगा है इस पर नहीं जाना। पहले कंपनी आईटी सेक्टर में थी, अभी क्या है कि एक एनबीएफसी कंपनी है और आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। एनबीएफसी कंपनियों का मेन काम ही होता है वो इजिली आपको लोन्स प्रोवाइड कर देती है। आजकल जितने भी ईएमआई पर चीजें देखते हैं वो सब बैंक्स नहीं प्रोवाइड करते, एनबीएफसी जैसी कंपनियां हैं, हालांकि होती हैं बैंक की तरह ही काम करती हैं, लेकिन बैंक से थोड़ा डिफरेंट होती हैं और इजिली और बिना किसी झिकझिक के आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो इनका चलन इन दिनों काफी बढ़ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस चीज का चलन काफी बढ़ रहा हो, जो चीज काफी डिमांड में हो, उसके शेयर प्राइस में देर से देर तेजी आएगी ही आएगी। इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इसमें संभाल कराना है, अपने जो भी होल्डिंग्स है उसको बचा के रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट कैप भी देखेंगे तो तकरीबन 180 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि यदि किसी कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर है तो उसे ठीक समझा जाता है, मैंने पेनी स्टॉक में बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तो 200 करोड़ के आसपास है, इस लिहाज से भी ठीक है। प्लस जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है, अभी देखेंगे तो माइनस में नहीं है। ज्यादातर पेनी स्टॉक का आरओ आपको माइनस में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। और ओवरऑल जो फंडामेंटल अभी तक हम लोगों ने देखा इसमें ठीक नजर आ रहा है, तो फंडामेंटल जब बढ़िया है और फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का जो काम करती है, कंपनी काम भी बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आपको उसमें समय देना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक साल के चार्ट पर यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी का शेयर प्राइस धरातल में जा रहा है। धरातल में जाने का क्या मतलब हुआ कि नीचे जा रहा है, क्योंकि ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, या इस रेंज में यदि स्टॉक का प्राइस रहता तो इसे बेहतर समझा जाता। लेकिन देखिए अभी क्या है कि इस रेंज से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में प्राइस जो चल रहा था, इससे नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या लगता है आपको प्राइस नीचे जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा है। अभी प्राइस एक स्टेप नीचे आके 1 रुपये 20 पैसा से लेके 1 रुपये 16 पैसा के बीच में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पहले 1 रुपये 16 पैसा से लेके 1 रुपये 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी इसका शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नए बायर्स आने के बावजूद भी स्टॉक्स के शेयर प्राइस में तेजी आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जहां जहां वॉल्यूम बढ़ाता है, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाता है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाता है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ाता, उस हिसाब का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। वॉल्यूम कब आएगा? वॉल्यूम अब जाके जब कंपनी के क्वार्टर्स 4 के नंबर आ गए हैं और नए क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं, तो अब इस बीच में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा और कंपनी का जो ये यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं लगता है नीचे की तरफ जा रहा है। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, जिस लेवल के आसपास ये आकर ठहरा हुआ है यहीं से प्राइस घूमेगा इसी रेंज में समय बिता के, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा और फिर प्राइस इस लेवल को ऊपर निकालेगा, तो पहले इस रेंज में आएगा।
इस रेंज में आने के बाद कुछ दिन समय बिताएगा, और फिर इस रेंज में समय बिताने के बाद ये जो आप लेवल देख रहे हैं 2 रुपए का, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक कम से कम 2 रुपए 80 पैसे और 3 रुपए तक आपको आते हुए दिखेगा बहुत शॉर्ट टर्म। तो आपको क्या करना है कि अभी वेट करना है। जैसे यहाँ पे यदि आप क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के नंबर आए हैं, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के Q1 के नंबर आएंगे नए फाइनेंशियल ईयर के। तो मार्च क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे तो जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, और सिर्फ एक सेल्स कम नहीं हुआ, जब भी सेल्स कंपनी के कम होते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी आपको कम होते हुए दिखता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में पहले थी कंपनी, लेकिन मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी लॉस में चली गई, और लॉस में जाने की वजह से क्या हुआ कि एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जब भी कंपनी का रिजल्ट से जो होता है क्वार्टर के नंबर खराब आते हैं तो एक सेंटीमेंट बनता है, और सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव बना, जिस वजह से भी कह सकते हैं कि प्राइस एक स्टेप नीचे खसका, और पहले जिस लेवल में ट्रेड कर रहा था उससे एक स्टेप नीचे आके भी इस कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो यदि बात करें ओवरऑल आपको इस स्टॉक में करना क्या है, तो देखिए आपको घबराना नहीं है, क्वार्टर्स के नंबर हर 3-3 माह पर आते रहते हैं, हो सकता है कि इस क्वार्टर में अच्छे नंबर नहीं आए तो अगला जो क्वार्टर्स का नंबर आएगा उसमें कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, और उसके बाद फिर कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आ जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा कोई ग्राउट नहीं हुआ है कि आपको एकदम से पैनिक हो जाना है, आपको इसमें अभी समय देने की जरूरत है। इससे रिलेटेड मन में और भी कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सब हैं मेरे यानी हिमांशु कुमार के साथ, और हम सब हैं मिलकर समझदारी और सावधानी के साथ अमीर बनने के सफर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।